बॉडी से कोई ज्वेलरी मिली है? नहीं मैडम, बॉडी से कोई ज्वेलरी नहीं मिली। मुझे लगता है कि इसकी इस उंगली में कोई अंगूठी थी, और इस उंगली में अंगूठी होने का मतलब है मंगनी या शादी। जिस लड़की को नेल पेंट का इतना शौक है, कैसे हो सकता है कि वो ज्वेलरी नहीं पहनती होगी? मैडम रेप करके लूटा गया, ज्वेलरी भी उतारती होगी। इसे ऊपर कीजिए। सॉरी मैडम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि रेप करके लूटा गया? मैडम इतना तो तजुर्बा हो गया है हमारा, पता चल जाता है। और वैसे भी इतनी जवान जहान लड़की को कोई क्यों कत्ल करेगा? बॉडी पे कोई निशान नजर आ रहा है आपको? नहीं ना, क्योंकि जब जबरदस्ती ज्यादती की जाती है किसी के साथ, उसके जिस्म पे छीना झपटी के निशान होते हैं, नाखूनों के निशान होते हैं। उसका कोई नेल नहीं टूटा, किसी किस्म के कोई निशान नहीं है, हर चीज अपनी जगह पे प्रॉपर है। मैडम एटीट्यूड है मैडम, ये देखे ना किस तरह मेकअप शेकअप करके तैयार हुई भी है। किसी गाहक से लड़ाई होगी होगी मैडम। बिल्कुल मैडम, मेरा भी यही ख्याल है। तो जो औरत मेकअप करके मरेगी तो वो प्रोस्टिट्यूट? नहीं मैडम जी, बस अंदाजा था मैडम। महबूब साहब तफ्तीश कीजिए, अंदाजे मत लगाइए। सॉरी मैडम। जो क्लूज हैं उसमें डेल्सी का रेड बैग है, उससे मिलने वाली 23 से 24 साल की लड़की की लाश, एक बोर्डिंग पास जो एक साल पुराना है जिस पे जरिश का नाम लिखा है, जो लाहौर से कराची सफर किया गया है जिस पे इस मर्डर को सॉल्व करने के लिए इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। पर मैडम अब करना क्या है? बोर्डिंग पास से जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स को नादरा के डेटाबेस से चेक करना है, और आप सोशल मीडिया पे जरिश के नाम को सर्च करें, देखिए इस नाम से कितनी प्रोफाइल्स बनी हैं, उनमें से कोई ऐसी लड़की है जिसकी स्लैश से शक्ल मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कब तक मिलेगी मुझे? मैडम सिर्फ एक हफ्ता। एक हफ्ता? कल सुबह 10 बजे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाएगी, कल उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मेरे साले की शादी है, मैं नहीं रात को बैठ के नादरा का डेटा चेक कर सकता। लगाओ किसी के जिम्मे काम। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कोई काम ही नहीं है। आते साथ ही पंगा ले लिया। पंगा मेरा इंतजार कर रहा था। दो दिन से मीडिया ने इस केस के बारे में तूफान उठाया हुआ है। तुम फॉलो कर रहे हो? करना पड़ रहा है। एक खूबसूरत लड़की की लाश
सूटकेस में से मिली, और वो सूटकेस भी एक लड़की लेके आई। यार इंटरेस्ट तो डेवलप होगा, तुम्हें कोई क्लूज मिले? हाँ थोड़े बहुत, कुछ चीज़ें कल तक मिल जाएंगी, एक घंटे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ उससे पता चलेगा। तुम हंस के रहे हो? सोच रहा हूँ कितनी जॉब है हमारी पुलिस वालों की, रोमांस के लिए डेट पे भी बैठते हैं तो लाशों की और मर्डर्स की बातें कर रहे होते हैं। कौन सा रोमांस भाई, मैं तो रोमांस करने आया हूँ, भागा भागा, आपका नहीं पता मुझे। पब्लिक प्लेस पे ना बैठे होते तो हाथ उठ जाता मेरा। तुम यही समझो कि हम पब्लिक प्लेस में नहीं बैठे। काफी भारी है मेरा हाथ। अच्छा दिखा मुझे। Don't you dare, okay? वैसे आपसे एक सवाल पूछा था अमेरिका जाने से पहले, जवाब नहीं दिया आपने मुझे। अब वापस आ गई हूँ तो सोचती हूँ उस बारे में, पहले इस केस को निपटा लूँ फिर तुम्हारे केस के बारे में सोचेंगे। ये भी सही है, जहाँ इतना इंतजार कर लिया वहाँ थोड़ा सा और ही सही। मुझे आप ये बताएं कि अंकल कैसे? अच्छे, याद कर रहे थे तुम्हें। चलो अच्छा है, कोई ना कोई तो पूछ रहा था मेरे बारे में। केस को निकालने में उस लड़की की मदद कर रहा था। अब जानना ये है कि क्या ये रिक्शा ड्राइवर और ये लड़की आपस में मिले हुए हैं? क्या ये दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? या उस जी नाज़रीन, वो सूटकेस वाले लाश की केस की एक नई फुटेज हमारे हाथ लगी है। उस फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो लड़की वो लाश लेकर एक रिक्शे से उतरी थी, बल्कि ना सिर्फ ये बल्कि वो रिक्शा ड्राइवर भी वो लाश बल्कि वो सूटकेस को निकालने में उस लड़की की मदद कर रहा था। अब जानना ये है कि क्या ये रिक्शा ड्राइवर और ये लड़की आपस में मिले हुए हैं? क्या ये दोनों इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? या उस सूटकेस में जो क्या हुआ सारा, उसकी कातिल सिर्फ लड़की है? जानते हैं डीएसपी साहब, इस केस की एक नई फुटेज सामने आई है जिसमें वो लड़की रिक्शे में वो बैग रख के लाती है। मुझे वो सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, वो रिक्शे वाला, उस रिक्शे की डिटेल्स चाहिए। गुड। असलम, तू लग रहे हैं। की मतलब तू लग रहे हैं? ओ तेरी शक्ल नहीं मिलती आदे नाल। ओए तू अन्ना आ गया है, कितों शक्ल मिलती मेरी? बकवास ही करी जदों भी कर। ओए होए मैं तो मजाक कर रहा सी, तू तो एवं मेरी गल का गुस्सा कर लेना है। बहरहाल जो भी है पुलिस ने इनू धर लेना है। समान तो सवारी का सी, लेकिन पहुंचा के आने वाला तो यही सी ना। मैं जा रहा भाई, मैं बुड्ढी नूं लैन जाना, तेरे कोल बह गया ना, समझो इत्थे ही रह गया। ओ ना यार भैया यार, मैं जा रहा भाई। टीवी पे वो सूट केस में लाश वाला केस देखा? हाँ, पर बेहतर इसी में है कि अपना मुंह ना बंद रखे। लगी तेन समझ? अच्छा चलो, मुझे जरा जल्दी से घर उतार दो, बड़ी देर हो गई है। मेरे बाबा जी से मुलाकात हो ना तो मेरा सलाम दें उनको। अच्छा बोलना जाए खुदा।
गगू। सलाम अलैकुम बाजी। वालेकुम सलाम। काफी दिन हो गए नजर नहीं आए, खैरियत थी? बाजी वो थोड़ा बुखार हो गया था, तबीयत ठीक नहीं थी। ओ, दवाई शवाई ली? दवाई कैसे लेता बाजी, बस ऐसे ही आ गया हूँ। महीने के आखिरी दिनों में डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे कहाँ होते हैं। अच्छा ये लो, डॉक्टर को भी दिखा देना और फल फल भी ले लेना। शुक्रिया बाजी। बाजी वो मैं सफाई करने के लिए आऊँ। 15 मिनट तक जी। अरे बाबरा जी, कैसी हैं आप? हमीद साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस आपने पूछ लिया, हम ठीक हो गए। अरे पहले बताते कि मेरे देखने से आप ठीक हो जाते हैं, मैं रोज देख लिया करूंगी आइंदा से। अरे बाबरा जी हमारे नसीब ऐसे कहाँ, आप तो ईद के चांद की तरह कभी कभी नजर आती हैं। आप जो अपनी बेगम को डिफेंस के महंगे महंगे पार्लरों में लेके जाते हैं तो मैं कहाँ नजर आऊंगी। अपनी बेगम को रोज मेरे पार्लर भेजो, रोज नजर आएगी बाबरा। अरे बाबरा जी ऐसी बात ही तो पहले बताते। चले अब बता रही हूँ ना, कल से वेट करूंगी आपकी बेगम का। जी जरूर बाबरा जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शमशाद खाला? वालेकुम सलाम, जीती रहे। मैं तो ठीक हूँ, बस आज मेरे दिल में तेरा ही ख्याल आ रहा था। अच्छा क्यों, खैरियत? वो आजकल ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ तो आजा ना, प्रोटीन ट्रीटमेंट दे दूंगी आपको। नहीं मेरा ये मतलब नहीं, मैं कह रही हूँ कि मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं। है खाला मौसम मौसम की बात हो, इस मौसम में झड़ते हैं। पर मेरी बहू तो कह रही थी कि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे बाल ही झड़ जाएंगे। ना शबनम की बातों पे एक कान ना धरा करो, एक्ट्रेसेस को नहीं देखा, इतनी इतनी उम्र होती है और ये जत्थे होते हैं बालों। अच्छा जा तू फिर, कल इंशाल्लाह ताला मैं तेरे पार्लर आऊँगी। अच्छा इंतजार करूँ। हाँ सलामत रह, इतनी अच्छी बच्ची है। वाह बड़ी प्यारी लग रही हो तुम तो। बाबरा बाजी मेरा हाइलाइट थोड़ा कम नहीं लग रहा? ओ, तो और कर देती हूँ, इसमें क्या मसला? अब देखो कैसा लग रहा है। जबरदस्त, अब ठीक है। हाय मेरी जान, थोड़ा बैक कॉमिंग तो ज्यादा करते। ओह अच्छा, यहाँ से? यहाँ से। अब देखो बस अब ठीक है बाबरा बाजी। बल्कि मैं पहले ही अलीना को कह रही थी कि बाबरा बाजी को बुलाओ, वो मेरा हेयर स्टाइल बनाए खुद। बस मेरी जान, मेरी आज 3 ब्राइड्स थी ना, और 2 पार्टी मेकअप भी थे, वरना तो मैं तुम्हारा खुद ही बनाती। देखो ना मैं फाइनल टचेस के लिए आ तो गई हूँ। फोन देना। मैं अभी बाथरूम से उठ आती, ये ठीक कर दो। हेलो फराजी, कैसी हैं आप? आमना कहाँ है? ये तो मैं आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि आप ही ने तो कहा था उसने आपके पास आना है। 2-3 रोज से मेरे से बात नहीं हुई, इतने कॉल्स किए, इतने मैसेजेस किए, ना वो कॉल रिसीव कर रही ना वो मैसेज का रिप्लाई कर रही है। ओहो तो पाकिस्तान से बाहर गई होगी ऑब्वियसली। ऐसे वो बगैर बताए नहीं जाती, हॉस्टल में भी किसी को नहीं पता, मैंने सोचा शायद तुम्हें पता हो। मुझे तो खुद आपसे पता चल रहा है, चलिए मैं पता कराती हूँ। मुझे यकीन है पाकिस्तान से बाहर गई होगी, क्योंकि वो कह रही थी कि शायद दुबई सुबह जाना है। प्लीज उसे चेक करो और उसे कहो मुझे कॉल करे। हाँ हाँ फिक्र ना करें, अल्लाह हाफिज। तरह ढीला काम करोगी तो गुरु कैसे बनोगी?
सॉरी। गुरु बनने के लिए ना हाथ में ताक होना चाहिए। स्प्रे दो। अब ठीक है? वाओ, नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त। अब सब सेट है। अब आपका मुकाबला तो हर कोई नहीं कर सकता ना बाबरा जी। बाबरा का मुकाबला कोई करके तो देखे। ऑफिस के टाइम में नाश्ते का टाइम भी शामिल है। नहीं मैडम, वो तो आज हलवा पूरी का दिल कर रहा था तो हमने। इस ऑफिस में ये पहला और आखिरी नाश्ता है जो मैं 9 बजे के बाद देती। ओके मैडम। बगैर तो सर नो टेंशन, आपका भाई बैठा है पुलिस स्टेशन में, देख लेंगे, कोई मसला जी। सर फराज साहब, क्या रिपोर्ट है जी? मैडम वो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक लाश की फिंगरप्रिंट किसी आमना तुफैल नाम की लड़की से मिल रहे हैं। आमना तुफैल? जी मैडम,
नाम आमना तो फैल है और उम्र 23 बरस है इसकी। और साहिवाल का कोई पता आ रहा है मैडम? उसके अलावा उसके अहले खाना की डिटेल, उसका मोबाइल नंबर, उसका आईडी कार्ड नंबर सब हमने निकलवा लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू मैडम। तो इसका मतलब हुआ मैडम, ये आमना तो फैल है, सरिश नहीं। आपने एयरलाइन के रैकेट से इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली? मैडम आज हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज? मैडम आप खुद देख लें, बस रिक्शे वाले की तलाश जा रही है, पुलिस पार्टी निकली भी आज शाम तक गिरफ्तार कर लेगी मैडम। ओके। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक सोडियम साइनाइड से मौत हुई है। जिस्म पे तशद्दुद के निशानात नहीं है, लेकिन कुछ हड्डियां टूटी। कुछ हड्डियां टूटी? हाउ इज इट पॉसिबल? जिस्म पे तशद्दुद के निशान नहीं है, लेकिन कुछ हड्डियां टूटी हुई हैं। इसका मतलब है कि कातिल ने जब डेड बॉडी को सूटकेस में डालने की कोशिश की है, तो उसने उसके एडजस्टमेंट के दौरान हड्डियां तोड़ी हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बॉडी का टेम्परेचर हैरान कुन हद तक कम था। बॉडी टेम्परेचर कम था यानी कि उसने बॉडी को किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां कोल्ड स्टोरेज थी। मैंने एक रिपोर्टर को ये कहते हुए सुना है कि ये इस साल का पांचवा केस है, पांचवी डेड बॉडी है जो सूटकेस में मिली है। इससे पहले जो चार बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त हुई है, कातिल पकड़ा गया? नहीं मैडम, हमने तो नहीं सुना इस केस के बारे में, पर अगर आप कहती हैं तो रात को रिपोर्टर को हाजिर करवा देते हैं मैडम। अंडरस्टूड है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो मैं कह रही हूँ वो पहले कीजिए। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए, सारी रिपोर्ट्स चाहिए, स्पेशली सोडियम साइनाइड से जो भी डेथ हुई है, डेड बॉडीज मिली है, चाहे वो मर्डर है चाहे वो खुदकुशी है, उसकी ए टू जी रिपोर्ट चाहिए मुझे। मैडम पोस्टमार्टम वालों से आज निकलवा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। इस नंबर की डिटेल्स चाहिए, कब तक मिलेंगी? मैडम कल फॉर आज, आज शाम को चाहिए। ठीक है मैडम। हड्डियाँ टूटी हैं, बॉडी टेम्परेचर कम था, कत्ल 8 बजे हुआ, रात के 2 बजे बॉडी मिलती है हमें, लड़की छोड़ के जाती है। ये लड़की रिक्शे में आती है, रिक्शा रुकता है, वेटिंग एरिया में जाती है, वहाँ बैग छोड़ती है, इसके बाद वो कहाँ गई? मैडम जी यही समझ नहीं आ रहा कहाँ गई, दोबारा निकल तो नहीं गई? वेटिंग एरिया की एंट्रेंस के अलावा कोई ऐसी जगह है जहाँ से निकला जा सकता है? एक जगह है जहाँ से निकला जा सकता है और वहीं से टिकट लेके वहीं से ही निकला जा सकता है। फुटेज देखा है उसके? ये टिकट एरिया के एग्जिट की फुटेज देखा है?
मैडम यानी एक रिक्शे में बैठकर आई और दूसरे रिक्शे में बैठकर चली गई। महबूब साहब ये वही रिक्शा है, नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही, आप देख रहे हो उसका साइड व्यू मिरर टूटा हुआ है। पहले वाले रिक्शे की फुटेज दिखाएं। ज़ूम करें इसे। एग्जिट से रिक्शा कहाँ गया है? मेन रोड और सिटी कैमरा के फुटेज दिखाएं मुझे जरा। मैडम जी उस साइड के जो कैमराज है उनकी रिपेयरिंग हो रही है तो उनकी फुटेज अवेलेबल नहीं है। ये लड़की को जूम करके दिखाएं, कहीं चेहरा नजर आ रहा है इसका? एक सेकेंड, जूते दिखाएं इसका, जूम करें, रोके यहाँ। इतना वजनी बैग हाई हील्स के साथ घसीटना हर लड़की के बस की बात नहीं होती। मैडम ये भी तो हो सकता है कि ये लड़की ना हो, लड़का हो। अंदाजा लगाया मैडम, ये लड़का है या लड़की या जो भी है उस रिक्शे वाले को पता है, हमें वो रिक्शे वाला चाहिए। ओके मैडम। हाय, इतनी डैंड्रफ है आपके बालों में बाजी, कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती? इतना तो तेल लगाती हूँ इन बालों में, पता नहीं ये डैंड्रफ का वक्त खत्म क्यों नहीं होती। बाजी ये चीज तेल से कभी भी नहीं जाएगी, आपको पता है इसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। बापरा बाजी ने ना एक स्पेशल ऑर्गेनिक क्रीम बनवाया है, अगर आप कहें तो मैं बापरा जी से बात कर सकती हूँ कंसेशन की सिर्फ आपके लिए। अच्छा तो मेरे बाल गिरना बंद हो जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल गिरना बंद हो जाएंगे। बापरा जी वो आपका स्पेशल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट शमशाद बाजी को करवा देना। ईमान मेरी जान, तुम्हें पता है ना कि शॉर्ट हुआ हुआ है, सिर्फ एक ही पड़ा है और क्लाइंट की आज अपॉइंटमेंट है। नहीं ना बाबा जी, आपको तो पता है शमशाद बाजी हमारी कितनी अहम क्लाइंट है, मुझे नहीं पता, आप करवा के दे। शमशाद आंटी से तो मुझे भी बड़ा प्यार, चलिए इस तरह करते हैं शमशाद आंटी के मैं क्लाइंट को एक और मंगवा देती हूँ, शायद आ जाएगा तब तक। चार्जेस क्या है उसके? आपके लिए सिर्फ 5,000। 5,000? हाँ बाजी देखें तो सही कि स्पेशल ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, इसके अंदर 25 तो जड़ी बूटियाँ ही हैं, सिर्फ केमिकल नाम की कोई चीज़ भी नहीं है। और आपको पता है इसके अंदर सारे तेल भाभरा बाजी ने स्पेशली खुद निकलवाए हैं, जिसमें अंडे की जर्दी का तेल भी है, आंवला सीका काई अच्छा? सब कुछ है। मुझे फायदा तो होगा ना? हाय शमशाद आंटी, अगर फायदा नहीं होता तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? आप एक दफा तो प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाएं, दोबारा खुद आएंगी। ठीक है तो फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो भाई। बिल्कुल ठीक है। सुनो जी, इसको अगर ऐसे करके फ्लिक करोगी, थोड़ा माथा कवर करोगी तो देखो कैसी यंग लुक आएगी। मुझे मेरी नजर ही ना लग जाए। ईमान तुझे जरीश का कुछ पता है? नहीं तो क्यों? पता नहीं कहाँ गायब होगी अचानक, 2-3 दिन से उसकी बहन की मुसलसल कॉल आ रही बाबरा बाजी को, मेरे सामने भी कितनी बार आई है।
बाबरा जी ने तो तंग आकर नंबर ही बंद कर दिया। मुझे लगा तुझे पता होगा। बाबरा जी को नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा। हाँ ये भी ठीक कह रही है, तुझे कैसे पता होगा। लेकिन जब से तेरा और उसका झगड़ा हुआ था ना, बाबरा जी ने भी ठीक से बात नहीं की थी उससे। लेकिन पता नहीं उसने हमारे नंबर अपनी बहन को क्यों दिए। तुझे भी कॉल आएगी, बाबरा जी कह रही थी अगर कॉल आए तो बोल देना हमें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं आती उसकी कॉल, ना ही उसकी बहन की, ना ही आएगी। है तुम जल्दी करो ना, इतनी देर से बर्तन ही धोई जा रही हो। 10 मिनट रह गए, अगला क्लाइंट भी आ जाएगा, मैनी पैडी वाला। पता है सुबह से सांस लेने का मौका तक नहीं मिला है मुझे। भाई आजकल बस स्टेशन की तरफ मत जाना। क्यों? सादा लिबास में पुलिस वाले पूछताछ कर रहे। तो क्या हो गया? लो तुझे नहीं पता, वही लाश और सूटकेस वाला केस, वो सुरक्षा वाले को ढूंढ रहे हैं जिसने वो सूटकेस और बंदी को छोड़ा था यहाँ पे। जा तुझे पता नहीं किसने कह दिया तू। तो मुझे किसने कहना था, वो लोग खुद यहाँ पे आए थे पूछने के लिए। उसके पास तस्वीर भी है रिक्शे की और रिक्शे वाले की, लेकिन वो सही तरह नजर नहीं आता। और मैंने उनको कहा भी अगर आपको ढूंढना है तो सवारी ढूंढ ले, रिक्शे वाले का क्या कसूर है। तुझे तो पता है रमड़ा, पुलिस वाले बड़े होते। वो तो जी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए मैंने वो खबर बना दी थी, वरना मुझे नहीं मालूम शहर में कितनी लाशें मिली हैं कितनी नहीं। आई डोंट नो। ब्रेकिंग न्यूज के बच्चे। मैम आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं मालूम कि शहर में सूटकेस वाली लाशें पहले मिली या नहीं मिली, मुझे नहीं मालूम मैम। आपको अंदाजा है कि आपकी इस धोखाबाजी के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करके अंदर डाल सकती है। नहीं मैम, ये काम तो सभी करते हैं मैम, मैं अकेला तो नहीं करता। और मैम वैसे भी जब तक हम ऐसी सनसनीखेज खबर नहीं बनाएंगे तो रेटिंग कैसे आएगी मैम। वैसे मैम ये आपको पता है किस लाश को किसने कत्ल किया था और इस लाश को क्यों मारा गया मैम? इन्हें बाहर ले जाएं, दोबारा मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर ना आइए। जी मैडम। और ठो काम करना वरना आता नहीं, बढ़ा देते हो काम पुलिस वालों का। चौका नु लाके चल पा कैची। इसका मतलब है कि अमना तो फैली जरिश भी है। माय गॉड। जी नाजरीन, बस स्टैंड में सूटकेस में मिलने वाली लाश के हवाले से मैं लाया हूँ आपके लिए हैरत अंगेज इंकशाफ। वो लाश किसी आम इंसान की नहीं है बल्कि वो लाश निकली है एक सोशल मीडिया स्टार और मॉडल जरिश की। फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि लाश की शिनाख्त हो गई है और वो लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि वो लाश एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार जरिश की है। आपके पास ये खबर लाया है सबसे पहले आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल RHC न्यूज़। जी नाजरीन एक बार फिर बता दूं कि अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है कि उस लाश की शिनाख्त हो गई है और वो लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार। पता नहीं क्या हरकतें इन मॉडलों की जो ये हाल को पहुंचती है। इसको तो एक दफा मैंने इधर आपके पॉलर में देखा था।